हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो रही थी, अभी तुरंत छूटा है। देखिए, कहीं बादल लगे हुए हैं, कहीं धूप उग रहा है। और देखिए, यहाँ पे सोया हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बारिश के मौसम में यहाँ पे क्या बन रहा है, कचरी। ये कचरी बना रहे हैं, प्याज कट रहा है, मिर्च, धनिया पत्ता और कटेगा बंदा गोभी। आज दोनों कोई मिल के बना रहे हैं क्या। ये बारिश का हाल कैसा है, तो बना रही हूँ कचरी, आपको दिखाती हूँ। और यहाँ भूज रही हूँ मुरही, क्योंकि ये थोड़ा सा मौसम आ गया था, तो मुरही के साथ कचरी। और यहाँ छोला, सुबह का कचरी छोला आज का नाश्ता। और यहाँ देखिए, सारे चीज़ को मैंने मिक्स करके इसमें थोड़ा सा बेसन और हल्दी, नमक, जो जो मसाला होता है वो, और चावल का आटा मिक्स करके बना रही हूँ। पहले मैंने पानी नहीं दिया था, उसके बाद मैं बाद में थोड़ा पानी दी हूँ। और मिर्ची को साइड में रख दी हूँ, क्योंकि पहले मैं थोड़े बच्चों के लिए निकालूंगी, क्योंकि वो मिर्ची नहीं खाएंगे इसी के लिए। और तीन चार मैं इसमें बिना मिर्ची का रख देती हूँ, और बाद में सारे में मैंने मिर्ची डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ ये हो चुका है, उसको पलट देती हूँ। तो यहाँ मैं प्याज सब इन्हीं से कटवाती हूँ, क्योंकि ही जब मुझको कोई भी चीज़, चाहे भुजिया हो, कुछ भी कटवाना हो, तो इन्हीं से मैं कटवाती हूँ, क्योंकि ये बहुत मीं काटते हैं, मुझसे नहीं हो पाता है इतना मीं इसी के लिए। और बारिश का मौसम था, तो इन्होंने बोला चलो कचरी बनाते हैं, तो मैंने कहा पहले आप काटिए तब हम छान देंगे। तो दोनों के बराबर मिल के काम करते हैं। तो ये रहा हमारा कचरी, और जो होता है नाश्ता, सो कचरी, मुरी, छोला। और शान भी यहाँ पढ़ भी रही थी और खा भी रही थी, तो वो करी थी हमें, मुझे कैमरा मैन मत लाओ। आज मैं थोड़ा हैवी नाश्ता कर लिया था, मुरी सबका, तो मुझे तो भूख ही नहीं है, तो इनके लिए इन्होंने बोला है। देखिए, मशरूम सूप है ये बनाने के लिए, तो मैं इसका आधा बना रही हूँ, क्योंकि बहुत हो जाएगा, तो मतलब ये चार आदमी के लिए है, तो थोड़ा ही सा बना रही हूँ। देखिए, उस लोग को खेल रहा है अभी, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आधा निकाल दिया है, तो यहाँ मैंने इसको मिला दिया इसमें आधा करके। और मैं इसको एकदम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए उबालने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैं 5 मिनट का सेटिंग कर देती हूँ, अब इसको मिला के गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इनके लिए मैं बना देती हूँ ये सूप। बच्चे सब खा लिए हैं, बच्चे सब के लिए मैंने खिचड़ी बनाया था, तो बच्चे सब दोनों खा लिए हैं। और अब सिर्फ सूप बनेगा, और बनेगा वही दूध। और देखिए, मैंने अभी फैन, ये है चाय पत्ती और क्या कहते हैं, कॉफ़ी का पानी। मैंने इसको 10 मिनट तक ऐसे किया, क्योंकि मैं मेहंदी बनाने वाली हूँ, कल मैं मेहंदी लगाऊँगी, तो इसी के लिए यहाँ पे मैंने इसको बॉईल कर किया है। ये अब ठंडा होगा, तब इसको मिलाऊंगी मेहंदी में। तो ये रहा सूप, मशरूम सूप है। ये छोटा छोटा दाना जो दिख रहा है ना, सारे मशरूम है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। वेजिटेबल सूप मैंने एक बार मंगाया था, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत गर्म गर्म है, जब ठंडा होगा ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। तो सब लोगों ने खाना खा चुका था, और मैं मिलाने जा रही हूँ मेहंदी। ये मेहंदी में मैंने थोड़ा सा नीम पाउडर डाला है। और देखिए, जब मैं कोई काम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो देखिए यहाँ सब जितने भी मेरे घर में सारे आदमी होते हैं, सब बैठ जाते हैं। आज के इसके पापा भी बैठ गए, चलो मैं भी देखता हूँ। तो यहाँ पे शान भी, डुगू, देखिए सब बैठे हुए हैं, सब जैसे लगता है मेला लगा हुआ है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं जब भी कैमरा स्टैंड में कैमरा लगाती हूँ ना, तो ये दोनों चले आते हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो बनाने में, जब ये दोनों घर पे रहते हैं। नहीं तो मतलब मुझे दोनों, ये डुगू तो और भी कैमरा को टच करने लगता है। तो देखिए, यहाँ पर जितने मेहंदी वाले बैटर थे, तो मैंने इसको क्या किया, सो तवे पे रख दिया। मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैंने बहुत वीडियो में देखा कि इसको लोहा के चीज़ पे रखने से ना अच्छा कलर आता है, इसी की वजह से। अभी मैं सो के उठी हूँ,
और आज ना बहुत बारिश हुई है, मतलब बारिश तो डेली ही होती है, अभी भी हुई है, एकदम ठंडा मौसम है। दिखा देती हूँ मैं खिड़की खोलती हूँ पहले, देखिए पूरा भींगा भींगा हुआ है, इसलिए हमारी लेट मॉर्निंग होती है, ठंड ठंड जैसा अभी मौसम हो गया है। तो भी हम लोग पंखा नहीं चलाते, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना बज रहा है। देखिए 7:45 हो रहा है, और सब सो ही हुए हैं, आपको मैंने दिखा दिया। और ऐसे ही यहाँ पे आसान भी का छुट्टी है, इसी के लिए मैं उसको सोने दे रही हूँ, और हम लोग का भी लेट मॉर्निंग हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, रात में जो मैंने फूलने के लिए दिया था मेहंदी, उसी का अब जा रही हूँ करने। तो मैं इसको डाल रही हूँ, ये रात भर ऐसे ही रहा था, इसको मतलब तवा पे मतलब लो किसी भी लोहे की चीज़ में आप रख सकते हैं, तो रखने से ना कलर शायद अच्छा आता है इसी की वजह से। तो मैंने इसमें रख दिया है नीम तेल, मेरे पास था इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और आपके पास अगर ताज़ा एलोवेरा हो तो उसको भी पीस के आप डाल सकते हैं। तो इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो ये बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया है, और मैं लगा लूँगी सारे बाल में, अच्छे से इसको लगा लूँगी। मेरा बाल तो बहुत उड़ गया है यहाँ पे आके, शायद यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं घर गई थी तो वहाँ थोड़ा सा भी बाल नहीं झड़ता था, पर यहाँ आते ही पूरा मेरा बाल इतना झड़ता है, पूरा बेड पे मेरा बाल ही बाल रहता है। बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल बालों को लेकर। तो यहाँ मैंने बहुत दिन, बहुत ही ज़्यादा दिन के बाद मैंने मेहंदी लगाया था, तो और मैं लगा रही हूँ ये पेपर नहीं बोलेंगे पन्नी, ताकि ये इसका जो सेंट है अंदर ही रहे, पर ये आप मत लगाना, क्योंकि ये इसको लगाने के बाद ना, क्योंकि इसमें हवा नहीं जाता है, तो ये हवा नहीं जाता, ये सूखता नहीं, और सूखता नहीं है तो ये जितने भी है चू चू के चूते रहता है, पूरा माथा पे चूते रहता है, पूरा पीछे चूते रहता है। मैंने ये एक वीडियो में देखा हुआ था कि ये पन्नी लगाता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक पन्नी लगा लेती हूँ, पर ये अच्छा नहीं है, मैं आप इसको खुला ही रखूँगी, खुला होने से ये सूखता है, और ऐसे करने से नहीं सूखते रहता है। तो मुझे दिक्कत हुई थी, और गर्मी भी बहुत लग रही थी माथा में, क्योंकि हवा का प्रवेश नहीं हो रहा था अंदर में। तो मैं अब कभी नहीं लगाऊंगी ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने सोचा चलो ये चुएगा नहीं, झड़ेगा नहीं, क्योंकि चूने झड़ने से दिक्कत हो जाती रहती थी इसी की वजह से, तो मैं अब कभी नहीं लगाऊंगी। तो मैंने लगा लिया है। तो था आज तक का यहीं का वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।